नमक, रेड चिली पाउडर, लाल मिर्चें, हल्दी, धनिया पाउडर एंड आमचूर पाउडर। इन सब में मैंने मसाला लगा लिया है और अब मैं इसको इस ऑयल में फ्राई कर लूँगी। किस तरीके से इसको मैंने पलट लिया है, अब इसको हम निकाल लेंगे। इस तरीके से होगा, ये मैंने डाल दिया ज़ीरा, इसी के साथ मैं डाल दूंगी दो हरी मिर्चें कट लगी हुई, कद्दूकस किया हुआ टमाटर, छोटे छोटे से हैं तो दो, बड़े हैं तो एक, साथ में जो मसाला हमने बनाया था टंडो के लिए वो डाल देंगे, जिसमें शामिल है रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर और रेड चिली पाउडर, और अभी मैंने ऐड की है इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। तो जी ये मैंने जो है टिंडे मैंने पलट के भी पका लिए हैं ताकि जो है आराम से हर जगह से गल जाएं, क्योंकि टिंडे ऐसी चीज़ होती है जो देर से गलती है थोड़ा ना, तो मैंने बैक साइड से भी पका लिए हैं थोड़े से और इस साइड से भी कर लिए हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने बनाने, और थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन ये कि बनाएँ घर में सबको पसंद आएगा, थोड़ी सी चेंज सब्ज़ी हो जाती है। अच्छा, इसको चेक करने का मैं एक तरीका बता दूँ, आपने ऐसे नाइफ लेके ना उसको हल्का सा ऐसे करना है, अगर ये बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से जा रहा है अंदर, जैसे कि फ़िश को हम चेक कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से अंदर जा रहे हैं नाइफ हमारी ना, तो समझ जाएँ कि गल गई है, हल्की फिर कहीं से सख्ती लग रही है ना, कि कहीं से सख्ती है तो समझ लें वो कच्चा है, लेकिन ये हो चुका है। नीचे से मैं थोड़ा सा और होने दूँगी इसको, ठीक है, नीचे से थोड़ा सा और होने दूँगी, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगी, थोड़ी सी ग्रेवी बन गई है इसकी,
तो इस तरीके की ग्रेवी बन गई है, देख रहे होंगे आप लोग। और ये मसाला भर चुका है अंदर, तो ये थोड़ी सी ग्रेवी वो बन जाए फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और बाकी ये जो है थोड़ी सी देर में जो है मैं आप लोग को दिखाती हूँ फिर बाकी। तो जी हमारे टिंडे रेडी हो चुके हैं और ये मैंने इस पर अच्छा ग्रीन चिली मैंने इसमें और डाली थी और ये मैं धनिया से इसको गार्निश कर दूँगी। बहुत टेस्टी है, बनाएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि कैसे लगे आप लोगों को। तो ये रही भरा हुआ टिंडे की सब्ज़ी, मसाला भरे टिंडे की सब्ज़ी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।